फायदा साफ साफ दिख रही है। ओ माय गॉड, ओ बाप रे, कतई जीआर भाई रे, भाई साहब क्या बवाल चीज है, एकदम ट्रांसफॉर्मर बन गई है तो गाड़ी चलते चलते। तो शील्ड देखो, ओ भाई साहब वापस कार बनते, ओ यार क्या गजब एक्सपीरियंस है यार, कसम से भाई अगर आप अपनी आंखों से देखते ना, आपको वाक्य में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार जो आप लोगों का दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है। तो आज के जो कलेक्शन है बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ और बहुत ज्यादा अल्टीमेट है, क्योंकि भाई आज जो है पबजी की मशीन गन से लेकर के हमारे पास पबजी के भाई मिसाइल ट्रक है, सैटेलाइट ट्रक है और एक ब्लड ट्रेन भी है, और साथ ही में आरसी स्मोक कार जिसका असली वाला धुआं निकलेगा और भाई इसके सारे गेट वगैरह खुल जाएंगे। और भाई साहब ये कैप्टन अमेरिका की जो एवेंजर वाली जो कार है ना, ये रोबोट में बदल जाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में। तो भाई आज का कलेक्शन में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और भाई आप लोगों के लिए एक छोटा सा एंड में सरप्राइज है, क्योंकि आज आपको बताने वाला हूं कि आज कितने लोगों को शाउट आउट दिया जाएगा, और उनमें से भाई किसी एक को नहीं बल्कि दो को मिलने वाला है अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ वॉकी टॉकी। तो भाई चलो यार, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं हमारी एंजल गर्ल, यानी कि हमारी जो बार्बी गर्ल है, इससे हम शुरू करने वाले हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो डॉल है बहुत ही ज्यादा गजब की, क्योंकि भाई जब ये चलती है ना तो भाई ये बहुत अच्छे तरीके से नाचती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो इसके पैकेट पे यहां पर दिखा हुआ है भाई, इस तरीके से जो है ना खुलने वाली है अभी, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये शायद ये अभी पूरी खुली नहीं, इधर भी टेप लगी हुई है। तो इसको कर लिया हमने अनबॉक्स, और ये रही हमारी बार्बी गर्ल। तो यार अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब और बाजू में दिखा बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए। तो भाई इसके अंदर जो है हमारे कुछ पार्ट्स अभी और रह गए हैं। तो यार ये देखो भाई साहब, मतलब कितनी बड़ी थी यार ये हमारी बार्बी डॉल। तो इसको रखते हैं यहाँ पर। ये डॉल जो है हमारी पूरी अच्छी तरीके से भाई इंस्टॉल हो गया, बस इसका जो है ना लास्ट वाला विंग और रह गया, ये भी मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। तो यार एक बार ना इसकी फिनिशिंग देखो और इसकी डिटेलिंग देखो, कितनी प्यारी लग रही है। और ये फ्रॉक वगैरह देखो भाई, आगे जो इन्होंने डायमंड लगा रखा है ना एकदम नीला नीला, बहुत ज्यादा ओरिजिनल लग रहा है। और ये कंगन वगैरह जो है बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, इसके बाल वगैरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यार इसके अंदर जो है ना भाई बैटरीज डलेंगी, तो ये बैटरीज इसके अंदर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लाइव चला के दिखाऊंगा। और भाई ये गोल गोल घूमने वाली है, तो चलो इसको निकाल देते हैं। तो ये हमने एक बैटरी डाल दी, ये रही हमारी दूसरी बैटरी, और ये है भाई हमारी तीसरी। उसके बाद जो है ना आपको इसके कैप को अच्छे से लगा देना, और ये ऑन ऑफ का बटन। तो ये देखो भाई, ये देखो इसी चीज की मैं बात कर रहा था। तो सचमुच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसको जो है ना अब मैं एक लाइव डेमो देने वाला हूँ आपको। तो हमारी प्रिंसेस यार ये देखो कितनी कूल लग रही है, और लाइट देखो यार, एलईडी लाइट, मतलब लाल हरी नीली सारी लाइटें जल रही है। और यार ये देखो फ्रॉक का एक एक पैटर्न कैसे खुला है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ियां नहीं होती, कमल की पंखुड़ियां इस तरीके से खुल रही है। और ये भाई 360 डिग्री घूम रही है, क्या स्पिन कर रही है भाई, और एकदम एंजल लग रही है। मतलब ये देख रहे हो पीछे के पंख कैसे खुले हुए हैं, पूरी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ओए होए, अंधेरे में देखो गाइस कितनी स्वीट लग रही है भाई, कितनी ज्यादा वंडरफुल लग रही है हमारी प्रिंसेस, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ओए यार सच में जो वाक्य में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है यार, ऐसा लग रहा है किसी ने डिस्को पार्टी रख दी है घर पे। ये देखो भाई डिस्को वाली लाइट जल रही है, और एक एक लाइट इतनी बारीकी से दिख रही है, मतलब हरी भी दिख रही है, नीली भी दिखेगी आपको, लाल भी दिखेगी, गुलाबी भी दिखेगी। ओ माय गॉड, और ये जो दिल बनता है ना एंड में लाइटों का, ओए ओए सोने पे सुहागा, कतई बवाल भाई रे, मजा आ गया। ओ माय गॉड भाई, वाकई में एक तो भाई बारहवीं मारी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि इतना अच्छा इसको बना रखा है, और ऊपर से यार ये लाइट में जो है ना इतनी वंडरफुल लग रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा कूल लग रहा था यार अंधेरे में, तो वाकई में बहुत ज्यादा मजा आ गया। सबसे अच्छे इसका पता मुझे फीचर ये लगा, जब मतलब कोई भी नाचता ना तो यार फ्रॉक एकदम ऐसे गोल चक्कर मारते, तो इसी तरीके से यार ये भाई 360 डिग्री घूम रही थी, जो कि बहुत बढ़िया स्पिन कर रही थी, तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे डांसिंग डॉल। तो भाई अगर आपको भी ये डॉल पसंद आई, तो आपको जो अपना नाम लिखना है उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे लिखना है डांसिंग डॉल, ताकि मैं जो आपको ये डांसिंग डॉल गिव अवे कर दूं। तो जो है आप अपना भाई एड्रेस लिखना बिल्कुल मत भूलना, इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई अब इस डॉल के बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारी पबजी की मशीन गन, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको दिखाता हूँ इसका लुक। तो यार ये जो आप देख रहे हो ना इसके ऊपर, मतलब 3D लाइट्स वगैरह और म्यूजिक इस पे वाकई में ये सब होने वाला है, और लाइव देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ये दो कलर में आती है, एक भाई इस ब्लू वाले कलर में, और एक आती है ये इस रेड वाले कलर में। तो चलो भाई इसको करते हैं अनबॉक्स। अरे भाई रे, ये तो यार काफी ज्यादा गजब है, ये देखो यार, ये तो एक SUV गाड़ी निकली जो भाई काफी ज्यादा ऊंची, और ये भाई चार पहिये वाली नहीं है, इसके अंदर छह पहिये लगे हैं। देखो भाई, दो तो ये आगे दो पीछे, और दो से पीछे, तो क्या बात है यार, मतलब काफी हैवी ड्यूटी वाली होने वाली है। और ये एक ऑटोमेटिक है, ये पता है ये ऑटोमेटिक इसका सब कुछ खुल जाता है। और भाई ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से निकलने वाला धुआं, तो भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा। और कमाल की बात तो ये कि यहाँ पर भी LED लाइट है, तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है भाई इसका लुक। और ये देखो भाई, आगे से एकदम हमर वाला इन्होंने लुक दे रखा, जो वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। तो यार इन लोगों ने भाई यहाँ पर लिख रखा 169 मैका कार, तो भाई मैका कार कोई होती होगी। ओ माई गॉड यार, ये LED लाइट्स देखो कितनी सारी है यहाँ पर,
और ये देख रहे हो मतलब स्टेयरिंग व्हील भी कितना कमाल का दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भाई आगे का मिरर वगैरह जो है ना, मतलब एक एक चीज़ बहुत अच्छी है। तो यार ज़्यादा ना यार टाइम नहीं गवाएंगे इसके ऊपर, सबसे पहले तो ये निकालते हैं भाई। ये जो है 360 डिग्री घूमने वाले हैं 360 डिग्री पे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। तो अभी इस बॉक्स को खोल के भाई चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारी कितनी डबल बैटरी डलेंगी। ओ माई गॉड, तो भाई ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर डलने वाले हैं हमारे 4 सेल, यानी कि इसके अंदर हमारे डलेंगे भाई टोटल 4 AA बैटरी। तो भाई 4 AA बैटरी डलने से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो भाई देखते हैं। इसको जो है हमने यहाँ से कस दिया, और ये जो है ये है इसका ऑन ऑफ का बटन, तो एक बार ऑन करके देखें। ओहो, ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यार, ये दरवाजे खुलते ही क्या लाइटें निकल रही है इसमें से, नीली हरी, भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और पता भाई ये ना भाई दुदू दुदू की आवाज़ निकाल रही है, यानी कि गन की आवाज़ निकाल रही है ये, जो यानी ये खुलने वाला है ना ऑटोमेटिक, इसमें से निकलने वाली है भाई गन वाली आवाज़। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम इसके अंदर भाई डालते हैं अपना वाटर फिल कर लेते हैं। तो आपको भी भाई इसके अंदर जो है ना एक इस तरीके से एक वाटर वाला मिलने वाला है, जिसके अंदर जो है आपको पानी डालना है, और ये यहाँ से जो है ना इसको लिड को खोलना है, और यहाँ पर जो है आपको इसके अंदर वाटर को फिल कर देना है। तो भाई ज़्यादा पानी मत भर देना, कहीं यार पता चलेगा सारा का सारा पानी जो है गाड़ी के अंदर ही गिर जाए। तो अब इसको जो भाई हम बंद कर देंगे पानी वाले को कस के, और इसको भी हमने बंद कर दिया है। तो भाई अब देखते हैं कि ये स्मोक किस तरीके से छोड़ती है, और भाई लाइट्स को करते हैं ऑफ। तो भाई अब इसके खुलने वाले हैं गेट ऑटोमेटिक। ओ माई गॉड, और ये ऊपर से भी खुल गए भाई। ओए भाई साहब, मतलब क्या गोली मारी भाई इसने, मजा आ गया देख करके। तो यार भाई इसको ऑफ करते हैं सबसे पहले। तो भाई मेरी मानो, इसको ना लाइव चलाते हैं फ्लोर पे, तो आ जाओ मेरे साथ भाई। तो ये आ चुका है हमारा मिलिट्री टैंक, जो कि भाई स्प्रे वाटर फेंकने वाला बहुत गंदे वाला, यानी कि आरसी स्मोक कार है हमारी, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये भाई साहब 4x4 है, लेकिन इसके अंदर 6 टायर्स है, और सारी की सारी LED लाइट जलती हैं। ये देखो भाई, ग्रीन लाइट भी जल रही है, नीली लाइट भी जल रही है। ओए भाई कितना बढ़िया लग रहा है। ओए माई गॉड गाइस, यार ये देखा तुमने भाई साहब, ऐसा लग रहा है वाकई में कोई बंदा इसके अंदर बैठ के इसको चला रहा हो। ओ माय गॉड, ओ बाप रे बाप, ओ भाई रे, ये क्या था, ऐसा लग रहा है जैसे भाई कोई बंदूक चल रही हो धाए धाए धाए। ओ माय गॉड, इसके अंदर भी भाई साहब LED लाइट लगे ना ग्रीन कलर की, अमेजिंग है भाई रे। कतई यार भाई साहब, कतई बवाल यार, धुम्मा ठा दिया भाई गाड़ी ने तो सच में। अरे भाई मतलब काफी बवाल चीज थी। और माय गॉड गाइस, मैं सचमुच बताऊं ना, तो यार ये ना एक मिलिट्री टैंक से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि मिलिट्री वाले जो होते हैं ना, आर्मी वाले, उनके पास सेम भाई एज इट इज ऐसा ही ट्रक होता है, जिसके अंदर भाई 6-6 टायर होते हैं, और उनके भी ना ऑटोमेटिक भाई दरवाजे खुल जाते हैं, और भाई ऊपर से चलती है मिसाइलें धूं धूं, तो इसलिए उसके अंदर से भाई स्मोक निकल रहा था एकदम असली वाला धुआं। और अंधेरे में तो यार ओए ओए, मतलब दिल ही जीत लिया इसने। और जो इसके ऑटोमेटिक डोर खुल रहे थे ना, और जो ये वाला भाई जब सेक्शन खुला, तो अरे यार मतलब इसके ऊपर दिल आ गया मेरा, काफी ज्यादा कूल लग रही थी। और ये जो इसकी LED लाइट थी यार, इसने दिल जीत लिया मेरा, मतलब दिल गार्डन गार्डन कर दिया। तो भाई अगर आपको भी ये हैवी ड्यूटी वाली मिलिट्री टैंक पसंद आई हो, तो आपको भाई साहब अपना नाम लिखना, उसके आगे वाव लिखना, और उसके आगे लिख देना RC स्मोक कार, ताकि मैं जाऊँ भाई आपको इस मिलिट्री वाले टैंक को गिव अवे कर सकूं। तो चलो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और अब मैं आपको उसके बाद दिखाता हूं भाई PUBG की मशीन गन सेट। तो ये ले लिया भाई हमने PUBG का मशीन गन सेट अपने हाथ में, और ये देखो यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो भाई इसको जो है यहाँ से अनबॉक्स करते हैं। तो इसके अंदर जो है दोस्तों, ये देख सकते हो आप के इसके अंदर एक एक पार्ट अलग दे रखा है, यानी कि ये गन काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो इसके अंदर भाई छोटे छोटे हमें जो है पीस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ओ माय गॉड भाई, मज़ा आने वाला भाई काफ़ी ओ ओ हो भाई साहब, सबसे पहले यार ये देखो तुम, मतलब अभी जो है ये गन पूरी नहीं है, अभी अंदर और भी इसके पार्ट रखे हैं, लेकिन यार इतना सेक्शन भी तुम देखो यार, कितना ज़्यादा डैशिंग है यार ये, और कितना खतरनाक है, और बिल्कुल भाई बढ़िया वाला डिज़ाइन दे रखा है। और इसके अंदर बैटरी लगेगी, ये भाई साहब मेरे को अभी दिखाइए, मुझे लगा था इसके अंदर नीचे से डलेंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने यहाँ पर दे रखा बैटरी वाला कंपार्टमेंट। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसको चला करके। तो इसको भी उठा लेते हैं, और भाई ये जो है ना ये लगता है यहाँ पर, और इसके अंदर पता ये एक बटन दे रखा है, जो कि भाई ऐसे ऐसे स्लाइड होता है, ये देखो अभी ये इधर को स्लाइड हो गया। तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ भाई होगा इसका रीज़न। तो ये गन देखो हमारी लगभग जो है काफ़ी तक तैयार होती जा रही है, और अभी इसको और भी तैयार करना है। और भाई इसके अंदर एक दिया गया हमें बाइनोकुलर, जिससे कि हम निशाने वगैरह अपने अच्छे तरीके से भाई टारगेट वगैरह बनाएंगे। ये देखो भाई दिख रही ना वो कार, इस कार को उड़ा देंगे अभी, कैप्टन अमेरिका वाली कार को उड़ा देंगे। तो भाई ये जो है ना प्रॉपर बहुत बढ़िया वाली गन बनने वाली है। अब इसका आगे का हिस्सा और रह गया, अभी उसको और लगा लेते हैं। तो ये आ गई भाई हमारी गन की आगे की नोजल। ओहो भाई साहब, ये देखो ये रही हमारी मशीन गन की गोलियां, भाई मजा आने वाला है यार बहुत ज्यादा। और क्या है अभी इसके अंदर,
और भाई एक है स्टैंड, इसको भी मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका कैसे यूज करते हैं, पर उससे पहले भाई इसको लगा लेते हैं। इसको जो इस तरीके से अच्छे से लॉक करना है, तो भाई आवाज आएगी जब ये लॉक हो जाएगी। अब देखो ये कितनी बड़ी बन गई है। अरे यार ये तो पूरी आ भी नहीं थी, ये देखो है ना, अब आप देख सकते हो बड़े आराम से कितनी बड़ी बन गई है यार, कमाल लग रही है, काफी ज्यादा वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो यार इसके अंदर जो सेल डालते हैं, और जरा ना ये देखो इन्होंने भाई एक ये रस्सी वाली डोरी भी दी है, जिसको कि मतलब अपने कंधे पे टांग के लोग घूमते हैं ना इस तरीके से, जब ये नीचे की तरफ रहती है तो इसको जो है लोग अपने कंधे पे टांग लेते हैं, ये यहाँ पर बांधनी होती है इसको। तो इसको भाई इसका डोरी का तो हमारा कोई काम नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। तो यार अब जरा मेरे को ना ये देखना कि जो हमारी बुलेट्स दी गई हैं हमको, तो ये हमारे को इस मशीन गन में कैसे लगानी है। तो जरा मैं इसके बॉक्स पे देख के फटाफट से इसको लगाता हूँ। तो इसको भाई खोलना है और इसके अंदर दो डलेंगी भाई हमारी बुलेट, तो ये दो गोली हमें इसके अंदर डालनी है, एक ये हो गई और दूसरी गोली। ओ माय गॉड गाइस, इसके अंदर भाई डलने वाली है तीन गोली, तो यानी ये तो सोने में सुहागा हो गया। मुझे लगा भाई इसके अंदर दो ही गोलियां डलेंगी, तो आप खुद ही समझ लो भाई ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। और इसको करते हैं लोड। तो ये जो बुलेट आप देख रहे हो भाई, सारी की सारी हमारी तैयार हो गई है मशीन गन में लगने के लिए। और इसको जो है ना भाई यहाँ से पहले तो डाल देना है, ताकि जो है ना इसको लॉक कर सके, क्योंकि ये अभी एक बार और लॉक होगी। तो यार इसको आपको यहाँ से इंसर्ट करना है, और उसके बाद जो है इसको आपको लॉक कर देना है। और ये पता है इसका फाइनल प्रोसेस है, इसके बाद भाई हम गन चलाने वाले हैं। यार ये इतनी ज्यादा बड़ी है, कसम से मेरे हाथ में ना संभल भी नहीं पा रही है, तो इसको मेरे को जरा दोनों हाथों से ही लगाना पड़ेगा एक बार। अरे भाई लॉक लग जा। तो ये देखो अब जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से ये तैयार हो गया भाई चलने के लिए, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये देखो भाई बॉक्स पर जो है ये सेम इसी तरीके से इन्होंने भाई इसको बना रखा है, और इसी तरीके से ये मैंने तैयार कर दिया है। और ये जो आप स्टैंड देख रहे हो, अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो बस आपको इसको इस तरीके से करना है, और ये इस तरीके से नीचे रखने के लिए है, ताकि इस पे स्टैंड होके आप यहाँ से इसको चला सको, जैसे स्नाइपर लोग निशाना लगाते हैं ना धक 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 करके, ये उसके लिए है। तो इसको निकाल देता हूँ भाई मैं, क्योंकि मेरे को तो डेमो दिखाना है। तो अब ये देखना एक बटन दबाने पर ये किस तरीके से अपने आप राउंड भरेगी, और इसके अंदर भाई ये एलईडी लाइट जल रही है, तो इसको ना मैं अभी आपको लाइव भी दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार ये देखो, ओ माय गॉड गाइस, मतलब वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है इसकी, और इसके अंदर भाई लाइट वगैरह जल रही है प्रॉपर, बहुत बढ़िया वाली। तो चलो यार आओ एक ना इसका एक बार एक इसकी लाइव टेस्ट लेते हैं। तो भाई साहब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये देखो भाई मैंने अपनी पबजी मशीन गन लोड कर लिया है, और यार ये देखो यार इसको, ओहो भाई साहब एकदम असली वाला साउंड आता है यार, ये कितनी कूल लगती है भाई साहब। ओ माय गॉड भाई के जी एफ की याद आ गई, ये कैसे लोड हो रही है अपने ऑटोमेटिक। भाई साहब 3D लाइट चल रही है इसके अंदर, जो LED लाइट है। ओ भाई म्यूजिक भी बहुत बढ़िया एकदम असली वाला। ओए तुमने एक चीज नोटिस करी, ये देखो अभी देखना अभी मैं दीवार पे लेके जाऊंगा यार, इसके अंदर लेजर लाइट भी है। ओ माइंड ब्लोइंग गाइस, यार ये तो काफी ज्यादा बढ़िया निकली है गन। ओ भाई साहब सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी यही लगी कि यार एक बार फायर करने पर ही ना इसकी बुलेट्स अपने आप लोड होती रहती है, यानी कि आपको इसके अंदर गोली भरने की जरूरत ही नहीं है। तो वाकई में इन्होंने असली वाली मशीन गन की तरह बना रखी है। तो भाई ये यहाँ पर अगर मुझे रखनी पड़ेगी, तो मुझे इसके जो है कुछ पार्ट्स निकालने पड़ेंगे, ताकि मैं इसको रख सकूँ अच्छे से। और भाई ये जो इन्होंने पीछे बटन दे रखा है, शायद ये इसको निकालने के लिए है। तो भाई निकल जा। तो हाँ ये भाई निकल गया है, ये देखो अब पूरे अच्छे तरीके से अनलॉक हो गया। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और इसको रख देता हूँ भाई मैं साइड में इसके बॉक्स में। तो यार अगर आप लोगों को ये पबजी गन बहुत ज्यादा पसंद आई हो, तो भाई आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाव लिखना, और उसके आगे लिखना है पबजी मशीन गन, ताकि मैं जो आपको मशीन गन को गिव अवे कर सकूं। तो भाई अब बारी आने वाली है एवेंजर्स की तरफ से आने वाली कैप्टन अमेरिका की रोबोट कार, जो कि ट्रांसफॉर्मर में बदलने वाली है, और इसके अंदर भी डलते भाई 3 AA बैटरी। और ये देखो ये कुछ इस तरीके की कार होती है, जिसको 2-in-1 कहते हैं, क्योंकि भाई ये कार की तरह भी चलती है, और प्लस में ये ना रोबोट भी बन जाती है। तो ये देखो इधर दिखा रखा है इन्होंने कि किस तरीके से ये जो भाई ऑटोमेटिक चलते चलते खड़ी हो जाएगी, और फिर ये एक ट्रांसफॉर्मर बन जाएगी, यानी कि रोबोट। तो इस पे तो भाई साहब इतना मजा नहीं आएगा, तो इसको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। तो ये ले लिया भाई मैंने अपने हाथ में, और मैं आप लोगों को बता दूं कि शेवरोले कमैरो नाम से गाड़ी आती है, सेम ये वही कार है, पर भाई ये है एवेंजर्स की कार, और इसके अलॉय व्हील वगैरह देख रहे हो आप, मतलब कितने बढ़िया लग रहे हैं और काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। और भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूंगा, इतनी डैशिंग लग रही है कैप्टन अमेरिका की। और ये देखो भाई इन्होंने बना रखे कैप्टन अमेरिका की शील्ड, और एकदम जेट ब्लैक इसके शीशे हैं, और इस पर भी भाई देखो एवेंजर्स लिखा हुआ है। और भाई टायर से लेके ना इसकी हेडलाइट टेल लाइट सब कुछ इतनी बढ़िया है, और ये देखो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा भाई रे, मतलब क्या यार क्या करना चाहते हैं ये बंदे। तो यानी कि इसके अंदर भाई LED लाइट्स भी जलने वाली है, वो भी 3D LED लाइट्स। और भाई इसका जो बैटरी कंपार्टमेंट है, उसका कैप मैंने हटा दिया है, ताकि मैं इसके अंदर पहले ही देख सकूं कि इसके अंदर डलने वाली कितनी बैटरी हमारी। तो जैसा कि मैंने आपको उस पर देख के बताया था कि भाई इसके अंदर हमारी डलेंगी 3AAA बैटरी, यानी कि 3 बैटरी डालनी है इसके अंदर हमें AA वाली, और उसके बाद ये इसके ऊपर घूमती रहेगी, और ये ऑटोमेटिक है जो आप देख रहे हो ना, ये आंखें हैं भाई, और ये बन जाएगी ट्रांसफॉर्मर खुल के। तो इसके कैप को जो है भाई हम लगा देते हैं, तो इसके कैप को भाई इधर से लगाना है, तो इसका कैप भी लग चुका है, और ये गाड़ी होती है इधर से ऑन, जिसमें कि भाई देखो लाइट वगैरह सब जलने वाली है।
तो काफी ज्यादा मजा आने वाला था भाई। आ जाओ मेरे साथ फ्लोर पे आ जाओ। कैप्टन अमेरिका की ट्रांसफॉर्मर वाली कार आ चुकी है जो कि एवेंजर की, और ये देखो भाई साहब, मतलब कि दिन में भी जो है ना इसकी एलईडी लाइट बाकायदा साफ साफ दिख रही है। ओ माय गॉड, ओ बाप रे, कतई जियर भाई रे, भाई साहब क्या बवाल चीज है। ओ भाई रे यार, ये तो वाकई में एक रोबोट बन गया भाई साहब, एकदम ट्रांसफॉर्मर बन गई ये तो गाड़ी चलते चलते, भाई माइंड ब्लोइंग गाइस। और ये देखो यार कैप्टन अमेरिका का और शील्ड देखो, ओ भाई साहब वापस कार बनते, ओ यार क्या गजब एक्सपीरियंस है यार, कसम से भाई अगर आप अपनी आंखों से देखते ना आपको वाकई में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। हालांकि जब ये आपको मिलेगी ना तब देखना, वाकई में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक बार इसको ना अंधेरे में देखते हैं। ओ माय गॉड भाई रे, कितना क्यूट लग रहा है यार ये, मतलब भाई मुझे तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लग रहा, लेकिन हाँ मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये। लेकिन भाई जब ये ट्रांसफॉर्मर से कार बनती है ना, क्या लुक आता है यार इसका। अरे भाई रे, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ये, और ये जो इसकी भाई साइड लुक है ना, इसको देख के बारे में वाकई में फिदा हो गया, क्योंकि भाई ये एवेंजर्स की भले ही हो कार, लेकिन ये जो शेवरले कमेरो का जो मॉडल है ना, मुझे शुरू से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और ये जो भाई इसके ऊपर घूम के जो 360 डिग्री जो ये स्पिन कर रही थी, कमाल कर रही थी। और जब ये ट्रांसफॉर्मर बनी ना, तो एक पल के लिए भाई ऐसा लगा ही नहीं कि ये कार है, एक्चुअल में ऐसा ही लग रहा था कि ये सचमुच का कोई रोबोट हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर वाली कार भाई इतनी असली लग रही थी। मैं आपको क्या बताऊं, इसके गेट वगैरह सब खुलने के बाद ये अपने आप को ट्रांसफॉर्मर में इसने कन्वर्ट कर दिया, तो देख करके मुझे तो भाई कतई ज्यादा मजा आ गया। अगर आप कोई भाई साहब कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाली जो कार है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर वाली कार, अगर आपको पसंद आई तो आप जो अपना नाम लिखना उसका वॉ लिख देना, और उसका लिखना भाई ट्रांसफॉर्मर कार या फिर रोबोट कार, ताकि मैं जो आपको इसको गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैजिक बस, जो कि है हमारी एक ज्योमेट्री बॉक्स, और इसके जो है ना भाई एक नहीं बल्कि तीन तीन चार चार फायदे हैं। ये देखो भाई, यहां पर जो स्टॉप लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में ये है एक शार्पनर, और भाई ये एक पेंसिल जिसकी निब मैंने ऑलरेडी तोड़ दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना अच्छा छीलती है। और इसका साउंड देखो, है ना, सुनने में कितना प्यारा लग रहा है और कितनी क्यूट लग रही है भाई ये मैजिक बस। तो यार इसका जो शार्पनर है वो काफी ज्यादा जो है हमारी उम्मीदों पे भाई खरा उतरा, और ये देखो यार कितनी बढ़िया इसने पेंसिल छीली है, मजा आ गया। और इसके बाद जब कभी भी आपका पूरा दिन इसमें निकल जाए, और आपको जो है ना इसका डस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से शार्पनर को निकलना है, और ये शार्पनर के साथ ही इसका डस्ट बाहर आ जाता है। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना नीचे, ये सारा का सारा कचरा भाई इसके अंदर जमा होता है, और भाई जैसे आप इस शार्पनर को निकालते हो ना, तो सारा का सारा डस्ट बाहर आ जाता है, और वापस से आप इसको इसी के अंदर लगा सकते हो। तो मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये चीज। और भाई इसका जो दूसरा फीचर है वो यही है कि भाई ये एक पहिए है ये देखो, और ये वाले भी पहिए हैं, जो कि दोनों के दोनों वर्क करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि यानी कि जब आपका खेलने का मन हो तो आप इस बस से खेल सकते हो, जो कि मैजिक बस है जो ड्रीम स्पेस वालों की है। ये देखो पांडा बना हुआ है इस पर, कितना क्यूट लग रहा है भाई, स्पेसशिप बनी हुई है, शटल बनी हुई है एलियन एयरफोर्स वाली, और ये देखो आगे से इतनी क्यूट है ना यार, इसका इतना प्यारा फेस बना रखा मैं आपको क्या ही बताऊं। और भाई ये पूरी की पूरी जो है ना, ये देखो मतलब मेटल की है, ये प्लास्टिक की नहीं है, तो मेटल की होने की वजह से ये और भी ज्यादा सुंदर लगती है। देखो इन्होंने लिख रखा है वेलकम स्पेस बस, और इसके अंदर भाई ट्रे काफी ज्यादा मिलती है। तो ये देखो सबसे पहला स्पेस आपका ये रहा ऊपर वाला, जिसके अंदर भाई आप अपने जो है क्रियॉन्स वगैरह रख सकते हो, प्लास्टिक क्रियॉन से लेकर वैक्स क्रियॉन यानी कि मोम वाले कलर तक रख सकते हो, और नीचे जो है भाई आप अपने स्केच कलर वगैरह रख सकते हो, बहुत सारा कुछ सामान आ जाएगा। और इसके अंदर भाई जो तीसरी ट्रे है, इसके अंदर आपका काफी ज्यादा सामान आ सकता है, यानी इसके अंदर आप अपना प्रकार रख सकते हो, फुट्टा रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, पेन पेंसिल शॉर्पनर से लेकर हर एक चीज। और प्लस में एक से लेके नौ तक आपको पहाड़े मिलते हैं, यानी कि इसमें आपको टेबल्स देखने के लिए मिल रहे, जैसे कि 2 4 8 यानी कि 2 4 8। तो ये चीज मुझे काफी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो अब यार टोटल इसके फंक्शन गिनते रहना, एक दूसरा टेबल, तीसरी बार ये वाली ट्रे, चौथी ये वाली ट्रे, और उसके बाद जब बंद हो जाती है तो पांचवी बन जाती है ये गाड़ी, और छठा इसके अंदर शार्पनर। तो भाई ये है 6 in 1 ज्योमेट्री, यानी कि भाई ज्योमेट्री एक है और काम इसके 6 हैं। तो यार ये मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा यूजफुल लगी और बहुत ज्यादा मददगार लग रही है मुझे। तो यार अगर आपको भी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आए, तो भाई आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे लिख देना भाई मैजिक बस, ताकि मैं जो आपको इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स को गिव अवे कर सकूं, और अपना एड्रेस लिखना मत भूलना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया भाई दो लेजर लाइट, एक ये वाली लेजर लाइट है जो कि भाई साहब इतनी बकवास है मैं आपको क्या बताऊं, ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, इसके साथ 4 लेंस आते हैं ये वो फलाना डिमाका, लेकिन मैं सच बता रहा हूं इसकी जो है ना भाई रेंज काफी गंदी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके रूम में चलेगी, जब आप इसको बाहर चलाओगे ना तो भाई आपकी गली के ने पेड़ तक भी नहीं जाएगी। लेकिन उससे बढ़िया चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये वाली है भाई, कि ये सिर्फ दिखने में ऐसी है लेकिन इसका यूज इतना तगड़ा है ना मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसको रखते हैं साइड में और इसको दिखाता हूं मैं यूज करके, तो लाइट शो करते हैं ऑफ। एक बार इसकी ना ये लेजर लाइट देखो,
है ना, मतलब कितनी कमाल की कि आपकी स्क्रीन पे भाई आपकी जितनी भी है ना स्क्रीन पूरी की पूरी चौंधिया जाएगी, क्योंकि इतनी तेज है इसकी लेजर लाइट और काफी भाई साहब ज्यादा लंबी जाती है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि जब ये इतनी चौंधिया रही है तो भाई इसकी रोशनी कितनी ज्यादा लंबी होगी। और ये देखो भाई बुलेट ट्रेन तक हमारी देखो कैसे जगमगा रही है, इसके अंदर भी ना एलईडी लाइट लगी हुई है इस बुलेट ट्रेन के अंदर, और अगली बारी बुलेट ट्रेन की ही है। और इसके साथ ही भाई पता है इसके अंदर और भी फीचर है, जैसे कि ये देखो ये वाला फंक्शन देखो, बटन दबाते भाई ये ना गुलाब का फूल बन जाते जो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और ये लाल रोशनी देती है, और दूसरे में भाई गुलाब के फूल के साथ ही ये नीली कलर की लाइट देती है जो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो ये देखो हमारा डोरेमोन नीला और हमारी भाई लेजर लाइट भी नीली। और इसके बाद तो भाई डीजे वाली लाइट जलती है, इसमें लाल नीली दोनों कलर की भाई इसके अंदर लाइट जलती है, डीजे राजे बिच्चिक 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 बिच्चिक, तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है। और ये देखो भाई साहब, तो भाई साहब ये जो है ना वाकई में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑन, तो भाई साहब पर्सनली मुझे जो है ना ये वाली लेजर लाइट काफी ज्यादा पसंद है, जबकि ये वाली लेजर लाइट जो है बहुत ज्यादा बेकार लगती है मुझे। बस ये जो है ना दिखने में अच्छी लगती है, देखो वो रखी है ना दिखने में कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन भाई यूजफुल जो है यही है। और ये भाई 2-in-1 वाली है तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। और इसके अंदर भाई सेल जो है 3 सेल में ये चल जाती है, और उसके लिए 4 सेल लगते हैं, तो यार वो मेरे को ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो भाई साहब अगर आपको भी ये वाली लेजर लाइट पसंद आई है तो भाई आप अपना नाम लिखना उसका, वॉल लिखना, और उसके आगे लिख देना लेजर लाइट, ताकि मैं जो आपको इस लेजर लाइट 2-in-1 वाली को गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और अब बारी आती है हमारी बुलेट ट्रेन की, जो कि भाई साहब देखो कितनी ज्यादा लंबी है, और इसके अंदर भाई 3D लाइट्स चलती हैं, और साथ में भाई इसके अंदर जो है ना बहुत बढ़िया वाला म्यूजिक भी चलता है। तो भाई इसके अंदर जो LED लाइट है वो तो देखेंगे ही साथ में, और भाई जो इसकी पावर है वो भी चेक करते हैं। तो चलो भाई इसको मैं आपको दिखाता हूं। तो ये ले लिया भाई मैंने बुलेट ट्रेन अपने हाथ में, और इसको आगे से देखो यार इसका लुक देख रहे हो, मतलब एक डब्बा दो डब्बा तीन बोगी चौथी बोगी, यानी कि इसके अंदर भाई चार बोगी है, और ये काफी ज्यादा लंबी है, यानी कि भाई ये यहाँ से भी चलती है और ये यहाँ से भी चलती है। तो भाई इसका ना एक बहुत ही अच्छा एक फंक्शन है, पता है क्या, जो इसकी जो LED टॉर्च है ना ये एक अपने आप में पता है सेंसर का भी काम करती है, मतलब जैसे ही किसी चीज से टकराने वाली होती है ना, चाहे आपका हाथ हो चाहे आपकी दीवार हो, ये ऑटोमेटिक जैसे टकराने वाली होगी इसको महसूस हो जाएगा, और ये पता है वापस से घूम जाती है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और इसमें डिटेलिंग देखो यार, मतलब यार ये जो इन्होंने एक नट लगा रखा है वाकई में एक सिल्वर वाला लॉक लग रहा है, जो कि ऐसा लगता है जो मेट्रो वाली गाड़ियों में होता है सेम वैसा है। और डोर वगैरह शीशे वगैरह इन्होंने एक एक बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बना रखे हैं, जो काफी ज्यादा मददगार होने वाले हैं। और इसके आगे देखो भाई ये 2 व्हील दे रखे हैं, और बीच में इन्होंने दे रखा है गोल वाला पहिया, जिसकी मदद से दाएं बाएं होगी और ये गोल गोल चलती है। और इसके अंदर भाई हमारी डलती है कम से कम, आपको इसके अंदर भाई 3 AA बैटरी डालनी पड़ेगी, नहीं तो उससे नीचे नहीं चलेगी, क्योंकि ये भाई मांगती है पावर, और ये जो हैवी वाले जो होते हैं ना भाई व्हीकल, इनको पावर चाहिए होते है तभी चल पाते, नहीं तो ये नहीं चलते। अब इसके बाद जो है आपको भाई इसका कसके लगा देना है भाई साहब ये कैप, क्योंकि ये कैप लगने के बाद ही आपका अच्छे से वर्क करेगा। और ये रहा ऑन का बटन, मतलब आप देख सकते हो कि मैंने अपनी ना अभी रूम की लाइट बंद नहीं करी, तब भी इसकी लाइट इतनी अच्छी लग रही है, और भाई ये रेल और गाड़ी की आवाज़ निकल रही है इसके अंदर एकदम असली वाली। तो इसको ना यार बंद करते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा मेरी आवाज़, और इसके बाद दोनों की साथ सुनने को मिल रही है इसलिए। तो भाई इसको लेके चलते हैं लाइव डेमो पे, तो आ जाओ मेरे साथ। ये हमारी बुलेट ट्रेन आ चुकी है, और ये देखो यार कितनी प्यारी लग रही है भाई, लाल लाइट जल रही है, इसके अंदर ग्रीन लाइट भी जल रही है, और भाई साहब ब्लू लाइट के तो क्या ही कहने, मतलब इतनी LED लाइट जल रही है, और अंदर ना वाकई में काफी सारी LED लाइट है, और आगे भाई एक टॉर्च दे रखी बड़ी वाली, और इसके अंदर भी भाई 2 हेडलाइट है, क्या लग रही है, ओ माय गॉड भाई अंधेरे में देखो। और भाई साहब ऐसी आवाज आ रही है जैसे कि ट्रेन में छूट जाती रेलवे स्टेशन से, सेम वैसी आवाज आ रही है भाई रेलगाड़ी की, मतलब माइंड ब्लोइंग यार, इस बुलेट ट्रेन ने भाई दिल जीत लिया, अमेजिंग यार भाई रे, कतई बवाल यार, सचमुच में बहुत ज्यादा मजा आ गया यार इसको देख करके, दिन बन गया, ओ भाई रे कतई अमेजिंग भाई साहब, बहुत ही ज्यादा बवाल था, और इसके लिए एक ही वर्ड है कतई जहर, मतलब कि बहुत ज्यादा बवाल थी, और इसने भाई धुम्मा ठा दिया, मतलब बहुत बढ़िया ट्रेन थी ये, बुलेट ट्रेन तो थी लेकिन इसको देख के ना मुझे बुलेट ट्रेन का मेट्रो ट्रेन की ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि भाई मेट्रो में पर्सनली काफी ज्यादा सफर करा हुआ है मैंने, और इसके अंदर भाई इतना ज्यादा ट्रैवल हमने कभी कराई नहीं, क्योंकि इसके लिए इतना भाई बाहर जाना पड़ेगा आपको जापान वगैरह तो, लेकिन भाई यहाँ पर जो है ना मेट्रो में जब आप ट्रैवल करोगे तो सेम आपको यही वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि ये जो भाई पूरी की पूरी मेटल की, यानी कि डाई कास्ट वाली है, ये कोई प्लास्टिक की नहीं, तो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, बस इसका बेस प्लास्टिक का है। तो अगर भाई आपको बुलेट ट्रेन पसंद आई हो तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाव लिखना है, और उसके आगे लिखना है आपको बुलेट ट्रेन, ताकि मैं जो आपको ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इसको गिव अवे कर सकूं। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पर। तो इसके बाद आती है भाई बारी हमारी इरेजर वाले कलेक्शन की, ये देखो यार
ये इसके अंदर हमारे पास है भाई ब्लू कलर की आइसक्रीम भाई, येलो कलर की आइसक्रीम, ब्लैक कलर की आइसक्रीम, वॉलेट कलर की आइसक्रीम। ये देखो भाई इसके अंदर से ना मैं आपको ये वाली निकाल के दिखाता हूँ जो है भाई मैंगो वाली। तो भाई ये जो है ये एक अपने आप में इरेजर है और इन्होंने भाई इतना ज्यादा इसकी डिटेल पे काम करा है बहुत ज्यादा। और इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वाकई में बहुत मजेदार इरेजर है। तो देखो इसको ना मैं यूज भी करता हूँ, इसलिए इस पे ना देखो पेंसिल के निशान भी बने हुए हैं। और जब हमारी आइसक्रीम पिघल जाती है तो सिर्फ हमारे हाथ में डंडी बसती है ना, तो इन्होंने भी सेम इसी डिटेल का भाई फायदा उठाया और इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल पे काम करा। ये देखो है ना कितनी अमेजिंग, मतलब कि यार इसकी ना स्टिक तक बाहर आ जाती है। तो मुझे पर्सनली ये चीज ना इसकी काफी अच्छी लगी कि इन्होंने मतलब भाई मतलब एक तो इरेजर बना दी, रबड़ बना दी पूरी की पूरी, और ऊपर से उसमें भी पता है इन्होंने यार स्टिक को अंदर बाहर करने का सिस्टम दिया है। ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और पता है ये भी एक अपने आप में इरेजर है, यानी कि आपकी अगर कोई राइटिंग में स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इससे भी मिटो सकते हो। तो काफी मुझे ज्यादा अच्छी लगी भाई ये आइसक्रीम वाली जो इरेजर है। ये चार कलर की है और मुझे काफी अच्छी लगी और चारों के चारों कलर मेरे फेवरेट हैं। और भाई मैं आपको दिखाता हूँ हमारी दूसरी वाली जो कि है डोनट वाली। तो ये हैं भाई साहब हमारे चार कलर डोनट के, एक है भाई साहब पर्पल कलर, एक है ब्लू कलर, एक है ऑरेंज कलर और एक है भाई पिंक कलर जो कि लाइट पिंक है, बेबी पिंक भी जिसे बोलते हैं। और ये चारों के चारों डोनट है जिसको भाई खा करके बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसके ऊपर पेंसिल का निशान लग गया, इनके ऊपर नहीं लगा क्योंकि इस वाली को भाई अभी तक यूज ही नहीं करा है मैंने, तो इनको तो मैंने यूज भी कर लिया। सबसे मजेदार बात तो यार ये है कि इन्होंने ना एकदम असली वाला डोनट बना रखा है। अगर कोई किसी को दे देना कि भाई ये छोटा डोनट है खा लो तो बंदा एक बार को खा जाएगा, लेकिन धोखा खाने से पहले भाई ये जो है मैं आपको बता दूं ये एक इरेजर है जो काफी ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको भाई ये इरेजर का कलेक्शन पसंद आया हो तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाओ लिख देना और उसके आगे लिख देना इरेजर कलेक्शन, ताकि भाई मैं जो हूं आपको ये आइसक्रीम वाली इरेजर और डोनट वाली इरेजर दोनों गिव अवे कर सकूं। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पर। और अब बारी आती है हमारे भाई दो बहुत तगड़े वाले ट्रक की जो कि भाई पबजी के अंदर यूज होते हैं। ये भाई हमारा मिलिट्री का मिसाइल वाला ट्रक, ये देखो इस तरीके से इसमें आवाज आती है और ये पता भाई ऊपर आसमान में भी छोड़ सकते हो धुशू धुशू करके भाई, ये सारे के सारे जो मिसाइल है ये लॉन्च हो जाएंगी और ये हवा में ऊपर चली जाती है और इसको आवाज बंद भी हो जाती है। मतलब ये आवाज ये जो ऑन ऑफ वाला जो है ना इसका सिस्टम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब प्लास्टिक के अंदर भी इन्होंने इतनी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है कि टायर वगैरह की ग्रिप वगैरह देख सकते हो कितना प्यारा है। और पूरा का पूरा जो है ना इन्होंने भाई कैमोफ्लेज वाला सिस्टम बना रखा है और वाकई में इसकी जो स्पीड है ये देखो काफी अच्छी स्पीड है। तो मतलब कि भाई ये जो ट्रक है ये काफी ज्यादा प्यारा, और इसके अंदर भाई गलती से भी ना दो बंदे मत बैठना क्योंकि इसके अंदर एक ही बंदा आ सकता है। और ये टंकी देखो कितनी बड़ी इन्होंने टंकी बनाई है, यानी कि इसमें भाई आराम से फ्यूल काफी ज्यादा आ सकता है। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये पबजी वाला मिसाइल वाला ट्रक। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई पबजी का एक मिलिट्री टैंक जिसमें कि सैटेलाइट वाला, जिससे कि भाई आप अपने दुश्मनों को ढूंढ सकते हो, आप अपना एनिमी को ढूंढ सकते हो। और ये इससे ना रिडार पकड़ता है, मतलब नेटवर्क पकड़ेगा सिग्नल पकड़ने के लिए, ये सैटेलाइट इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है एक छोटी सी। तो इस तरीके से भाई आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब कि जब ये यहाँ से जा रहा हो तो ये यहाँ से भी नेटवर्क पकड़ सके, और जब ये इस तरीके से होगा तो ये आपकी तरफ आएगा तो भाई इस तरफ से भी पकड़ सकता है ये। तो ये दोनों तरफ से काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे और इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा, और पूरा का पूरा भाई मिलिट्री वाला इसका डिजाइन है। और इसका भी पहिया देखो भाई, मतलब ग्रीन एंड ब्लैक कलर में इसका जो कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा अच्छा, और स्पीड भी काफी अच्छी है कि अभी तक इसका पहिया रुका नहीं है तो हम इसको रोक देते। तो भाई अगर आपको दोनों के दोनों जो ट्रक हैं पसंद आए तो आपको अपना नाम लिखना, उसका वाओ लिखना और उसका आगे लिख देना पबजी ट्रक, ताकि मैं जो आपको दोनों के दोनों ट्रक गिव अवे कर सकूं। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पर। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा भाई साहब आरसी डोरेमोन ड्रोन, जो कि भाई उड़ने वाला बहुत तगड़े तरीके से। तो जो डोरेमोन वाला ड्रोन है भाई ये आता है एक चार्जिंग केबल के साथ और एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल के साथ जिसमें से ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। और इसको बोलते हैं भाई जेस्चर वाला ड्रोन, क्योंकि ये जो है ना भाई इस तरीके से फ्लाई होता है, अगर आप हल्का सा भी हाथ लगाओगे इसको पता चल जाता है और ये अपने आप उड़ने लगता है ऑटोमेटिक। तो चलो मैं आपको जो इसको हाथ में लेके दिखाता हूँ और इसका भाई चार्जिंग पॉइंट भी बताता हूँ। ये है इसका चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पर आप अपने घर का कोई सा भी चार्जर लगा सकते हो और जैसे ही इसके अंदर की जो लाल लाइट है बंद हो जाएगी तो समझ लेना कि पूरा चार्ज हो चुका है। और ये डोरेमोन काफी ज्यादा क्यूट है, इसके अंदर भाई चार पंखुड़ी मिलती है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये उड़ने की कोशिश करता भाई। तो यार इसको ना बंद कर देते हैं, मुझे डर लग रहा है कि मैं स्क्रीन पे देखूं कि मैं इसको देखूं कहीं पता चले मेरे ही आके लग जाए। तो इसको चलो यार आके लाइव उड़ाते हैं। डोरेमोन ड्रोन भाई ये लो उड़ गया। ओहो भाई साहब, ओ भाई पंखे वंखे में मत टकरा जी। ओए क्या कर रहा है यार, ओ भाई साहब डोरेमोन भाई ये अपने गैजेट लेके उड़ने वाला है, ये देखो कितना ज्यादा उड़ रहा है। ओ भाई बस तो पंखे वंखे से मत टकरा जी। ओ भाई दीवार से टकरा गया, ओ पंखे से भी टकरा गया, चलो सही है चल रहा है अभी। ये देखो भाई साहब एक बार भी गिरने के बाद ये उसके बाद दोबारा चल गया, अंधेरे में भी चल रहा है। ओ भाई ऐसा लग रहा है किसी ने कोई नीली बोल आसमान में उछाल दे, कतई गजब भाई साहब बवाल यार।
अरे भाई रे कतई बवाल, मतलब बनाने वाले ने इतनी अच्छी चीज बनाई है, मैं आपको बताता हूँ। नीचे का जो है ना ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है, और ये जो इसकी चार प्रोपेलर दे रखे है यानी कि चार पंखड़े, भाई ये भी प्लास्टिक की है। लेकिन सबसे अच्छी चीज की यार दीवार से इतनी बार टकरा ये टूटा नहीं, मैं बार बार यही सोच रहा कि ये चल रहा है बार बार चले जा रहा है लेकिन यार इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। तो अब मुझे पता चला कि ये जो बीच वाली आप डंडी देख रहे हो ना ये एक्चुअल में मेटल की है यानी कि स्टेनलेस स्टील की है ये, जिसकी मदद से भाई ये दीवार से जितनी बार भी टकरा जाए सिर्फ ये बंद होगा नीचे गिरने के बाद, ये कभी भी भाई टूटता नहीं। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका ये वाला सिस्टम, तो भाई रे मतलब कतई अमेजिंग चीज बना दी बनाने वाले ने, और जिसको देख के भाई मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। तो भाई साहब अगर आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाव लिखना, उसके आगे लिख देना डोरेमोन ड्रोन, ताकि मैं चाहूँ आपको इसको गिव अवे कर सकूँ। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रोजन प्रिंसेस वाली भाई एक प्रोजेक्टर वॉच, जिसके अंदर 12 नहीं बल्कि इसके अंदर से निकलती हैं 24 अलग अलग तरीके की फोटो। ये देख रहे हो 12 ये दे रखी 12 ये दे रखी, यानी कि भाई 24 फोटो निकलेंगी जिसमें कि आपको पूरी की पूरी ये भाई फ्रोजन प्रिंसेस वाली मूवी है ना ये याद आने वाली है। और इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे कि इसको कैसे यूज करना है, बट डोंट वरी भाई मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार वॉच की बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करने वाले, सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ भाई इसका प्रोजेक्टर चला करके। तो यार चलो लाइट्स को ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना हुआ है तो इसको यहीं पे हम चलाने वाले। तो ये देखो भाई ये आ गई हमारी फ्रोजन प्रिंसेस, तो थोड़ी बहुत जो अभी भी कमरे में रोशनी आ रही तो इस वजह से ज्यादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन भाई अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा। और ये देखो ये भाई हमारा प्रिंस, तो आप मतलब देख सकते हो कितना ज्यादा मजेदार है ये, और ये भाई किसी भी चीज पर आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन जितनी वाइट चीज होती है ना उतना ज्यादा बढ़िया दिखेगा, और जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा एचडी दिखता है। तो ये देख सकते हो आप इसके अंदर भाई इतनी सारी फोटोज आती हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। ये है भाई हमारा स्नोमैन जिसको देख के भाई दिल खुश हो जाता है, और ये भाई हमारी प्रिंस, तो मतलब इतने सारे इसके अंदर भाई फ्रोजन प्रिंसेस की फोटो दिखने के लिए मिलने वाले। तो चलो करते हैं ऑन ताकि आप भी अपने आप देख सको। तो यार इसके अंदर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी इमेजेस थी जिसको देख के काफी ज्यादा मजा आया। और इसका एक बार ना लुक देखो, मतलब इस तरीके से जब आप इसको अपने हाथ पे बांधोगे तो यार इतना प्यारा लुक आने वाला है ना, ऐसा लगेगा कि प्रिंसेस आपके साथ ही है। और इन्होंने ना भाई बहुत ज्यादा डिटेल पे ध्यान दिया, देखो इसकी ड्रेस जो है ना ब्लू कलर की है, और भाई प्रिंस का फेवरेट कलर पिंक है, तो इन्होंने भाई ब्लू एंड पिंक दोनों को मिक्स करके भाई ये डायल बनाया है जिसकी मदद से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और भाई इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, ये जो दो बटन है ये देखो, जैसे जैसे मैं इनको दबाऊंगा इसमें टाइम चेंज होता रहता है, तो आप जो है ना इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब जैसे मर्जी आपको भी उसके अंदर अपना टाइम सेट करना है वो आप कर सकते हो। तो ये फंक्शन मुझे इसका काफी ज्यादा अच्छा लगा, और यार ये वाले फंक्शन होने भी चाहिए ताकि भाई इसके अंदर जो है आप अपना टाइम वगैरह अच्छे से एडजस्ट कर सको। और ये ना इतना ही नहीं भाई, ये बन जाती है फ्रेंडशिप बैंड, तो अगर आपको इसको फ्रेंडशिप बैंड भी बनाना हो ना तो इस बेल्ट को आप अपने हाथ में बांध करके फ्रोजन प्रिंसेस का एक फ्रेंडशिप बैंड बना सकते हो। और उसके बाद ये देखो कितना कूल लगता है ये बैंड, है ना कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से यार ये मुझे इसीलिए काफी ज्यादा अच्छी लगी कि इसके अंदर इतने ज्यादा फंक्शन मिल जाते हैं आप लोगों को, मतलब 3 से 4 फंक्शन है कम से कम। और प्रोजेक्टर वाला जो है वो सबसे ज्यादा प्यारा भाई, अगर कमरे के अंदर एकदम अंधेरा कर दोगे ना उसके बाद यूज करके देखना एक बार दीवार पे, इतना ज्यादा मजा आता है क्योंकि मैं करके देख चुका हूं ऑलरेडी। तो भाई अगर आपको ये फ्रोजन प्रिंसेस की प्रोजेक्टर वॉच पसंद आए तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे लिख देना प्रिंसेस प्रोजेक्टर वॉच, ताकि मैं जो आपको इस वॉच को गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आती है हमारे जंबो ज्योमेट्री बॉक्स की, वो वाला था मेटल का भाई बॉक्स, और ये है भाई पीयू वाला बॉक्स। ये देखो कितना हार्ड मेटल है, पीछे एवेंजर का लोगो बना हुआ है, और इसकी जिप क्वालिटी देख रहे हो, मतलब इसका लॉक देखो आपस में कैसे एक से एक भाई सटके लगे हुए हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा इसका जो लॉक है ना प्रीमियम है, और इतना ज्यादा एचडी बना रखा है इन्होंने, और इसका हाई ग्लोसी पेंट देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कैप्टन अमेरिका बाहर आ रहा है क्योंकि ये जो है ना भाई 3D बना रखा है इन्होंने इसको, और इसकी शील्ड वगैरह सब कुछ 3D है। और इसके अंदर स्पेस देखो यार, मतलब इस नेट के अंदर भी आप अपना सामान रख सकते हो और आपको नेट के बाहर से दिखता भी रहेगा। और यहाँ पर जो है आप अपनी पेन पेंसिल स्केच कलर वगैरह भाई अटका सकते हो, और इसके नीचे आपको डी रखने की जगह मिलती है, 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल होता है फुट्टा उसको रख सकते हो, प्रकार रख सकते हो, डी रख सकते हो, भाई आप पेन पेंसिल शॉर्पनर से लेकर हर चीज रख सकते हो। इनफैक्ट आप इसके अंदर अपने खुले पैसे, आप अपने 10 का नोट 20 का नोट कुछ भी रख सकते हो भाई, ये प्रॉपर आपके काम आने वाला। और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना मेकअप बॉक्स भी इसको बना लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देख रहे हो मतलब कितनी ज्यादा इसके अंदर स्पेस है, कम से कम इसके अंदर आपको मिलती है भाई इतनी स्पेस, देख रहे हो मतलब आधी उंगली जितनी इसके अंदर स्पेस है, तो काफी ज्यादा बढ़िया। और इसकी जिप क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, ना तो आपको इसमें बैग में रखने की झंझट ना कुछ, सीधा आपका जिस दिन एग्जाम हो आप इसको हाथ में पकड़ के भाई इस तरीके से लेके चले जाना, और ये आपके हाथ में काफी ज्यादा कूल लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई आपने जो है बहुत बढ़िया एक नोटबुक पकड़ रखी है। तो ये पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा, अगर आपको भाई अमेजिंग लगी हो पसंद आई हो तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे लिख देना कैप्टन अमेरिका जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, ताकि मैं आपको इसको जो गिव अवे कर सकूं। तो इस ज्योमेट्री बॉक्स को रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब
बारी आती है हमारी स्लाइम की, जो है भाई यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाली है। देखो यूनिकॉर्न जो है हमारा भाई स्लाइम के अंदर दब चुका है, जो कि है हमारी ये बॉटल, और ये ऊपर से नहीं खुलती है, ये खुलती है यहाँ से नीचे से। तो ये जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। और ये देखो इस तरीके से जब आप इसको निकालोगे तो पूरी की पूरी स्लाइम बाहर आ जाएगी और आप जो है ना इस यूनिकॉर्न को बचा सकते हो। तो आओ मेरे साथ चलो इस यूनिकॉर्न को बचाते हैं। तो ये देखो ये स्लाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ गंदा कर देगा, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता इस स्लाइम से। ये देखो बस ये ऐसे चिपकने का नाटक करते हो, और जैसे जैसे आप इसको घुमा दोगे ना वैसे वैसे ये अपने आप में चिपक जाएगा। अभी जो है भाई हमारा यूनिकॉर्न बचा हुआ है, तो ये आ गया हमारा यूनिकॉर्न बाहर। तो ये देख सकते हो आप, ये देखो भाई कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार ये। और भाई ये यूनिकॉर्न का फेवरेट कलर है पिंक कलर, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये अंदर भी देखो अभी भी कितनी सारी स्लाइम इसके अंदर बाकी है। तो स्लाइम को रखते हैं यहाँ पे साइड में, और भाई यूनिकॉर्न को हमने बचा लिया है। तो आप ये देख सकते हो भाई यूनिकॉर्न को हमने बचा लिया है। अब बस इसको जैसे जैसे आप अंगूठा हिलाते जाओगे वैसे वैसे इसके ऊपर की जो सिलाई में सारी की सारी हट जाएगी, और हमारा जो है घोड़ा हमने सेव कर लिया है। तो यार इसके लिए ना हमारा भाई पॉइंट्स बनता है। ये देखो हमारा यूनिकॉर्न अब कितना ज्यादा प्यार लग रहा है कि नहीं। तो भाई इसको जो है ना अब हम वापस से इस बोतल में डाल देंगे, क्योंकि मुझे जो है भाई स्लाइम के साथ खेलने में पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आता है, और मैं इसको दोबारा से इसी के अंदर कैद करने वाला हूँ। तो ये देखो बस आपको ना इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाना है, और ये सारा का सारा आपके हाथ से छूट के ना इस तरीके से गोल आकार वाले में बन जाएगा। तो ये देख रहे हो मतलब कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई साहब किसी ने ना कोई HD पेंटिंग मेरे हाथ पे रख दी हो। तो यही चीज मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद आती है, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलो भाई इसको वापस से बोतल में डालते हैं। तो ये आ गई भाई हमारी बोतल, और ये आ गई हमारी स्लाइम। तो चलो भाई इसके अंदर, तो ये देखो अपने आप जो है ना धीरे धीरे करके इसके अंदर नीचे जा रही है ना, आपको दिख रहा होगा। और एंड में भाई आपको इसका ढक्कन जो वापस से लगा देना, ताकि जो है हमारा यूनिकॉर्न इसके अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाए। तो भाई स्लाइम के साथ खेलने में पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए मेरे पास स्लाइम का एक अलग ही बहुत बड़ा कलेक्शन बना हुआ है। जिस दिन आप बोलोगे उस दिन जो है मैं सारा का सारा आपको स्लाइम का कलेक्शन भी दिखाऊंगा। तो ये था भाई साहब आज का एकदम अमेजिंग और ताबड़तोड़ अल्टीमेट वाला कलेक्शन। तो भाई अगर आप लोगों को भी देख के मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा मजा आया, तो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर इस पर भी भाई साहब 500 से ज्यादा लाइक्स आते हैं, तो ये जो सारा का सारा कलेक्शन है 10 में से किसी एक बंदे को कर दिया जाएगा गिव अवे। तो भाई बारी आती है अब 15 लोगों को शाउट आउट देने की, क्योंकि 15 इसलिए क्योंकि भाई काफी ज्यादा अच्छे कमेंट आए थे, तो हमने 10 की जगह 15 लोगों को चुना है। और इस बार एक को नहीं बल्कि 2 लोगों को मिलेगा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी का कलेक्शन जाने वाला है किन बंदों को, तो उन बंदों का लेते हैं शाउट आउट। तो भाई साहब ये हैं वो 15 नाम, पीयूष पुष्कर, अक्षित मुखर्जी, अनमोल सेन, आयुष बर्मन, सैम्यूल रिया, निखिल सिंघम, राज देवापुर, यशेश परवेज, जयदीप मुंडा, अंशुमन, कुशान, प्रनील, ओम प्रकाश। तो भाई ये जो 15 के 15 लोग हैं, इनमें से किसी को मिलने वाला है 2 बंदों को भाई साहब वॉकी टॉकी वाला पूरा का पूरा कलेक्शन, जिसमें कि बहुत सारे अल्टीमेट टॉयज भी थे। तो यार देखा आप लोगों ने भाई कितना ज्यादा अमेजिंग था। तो यार अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल नहीं, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बाजू में दिए बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितनी भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।